नमस्कार, न्यूज एट 11 देख रहे हैं आप। सबसे पहले बड़ी खबर जोधपुर से। रेजिडेंट्स की हड़ताल मौत की वजह बनने लगी है। 10 साल के बच्चे की इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हुई है। न्यूरो सर्जरी में इलाज चल रहा था, रामा नाम के बच्चे की है। परिजनों ने शव उठाने से मना कर दिया है बच्चे का। और आपको बता दें कि रामा नाम का ये बच्चा है जिसे न्यूरो सर्जरी का इलाज दिया जा रहा था, लेकिन हड़ताल की वजह से इस 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। रेजिडेंस की हड़ताल अब भयानक होती जा रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब पहला शिकार हुआ है इस हड़ताल का ये मासूम 10 साल का बच्चा, जिसे इलाज नहीं मिलने की वजह से जिसकी जान चली गई। रामा नाम का ये बच्चा है। परिजनों ने शव उठाने से मना कर दिया है और इस पूरी हड़ताल के बाद हालात कुछ इस कदर बने हैं कि 10 साल का ये बच्चा। हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर कमलेश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर कमलेश, ये जो हालात हैं, अब ये मौत हुई है इस 10 साल के बच्चे की, इस पर अब क्या कहेंगे आप? कुछ संवेदनशीलता है आपकी इस मामले में? हम डॉक्टर कमलेश से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि रामा नाम के बच्चे की मौत हुई है जोधपुर में। रेजिडेंस की हड़ताल हुई, डॉक्टर से मारपीट हुई, जिसके बाद रेजिडेंस हड़ताल पर चले गए। और हालांकि ये हड़ताल अजमेर तक फैल रही है, वहां भी रेजिडेंस का समर्थन मिल रहा है, वहां भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। लेकिन अब जोधपुर से ये पहला मामला जहां पर इलाज न मिलने की वजह से एक बच्चे की मौत हुई। न्यूरो सर्जरी का इलाज चल रहा था इसका। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में इसका इलाज चल रहा था, जिसका हड़ताल की वजह से इलाज बाधित हुआ और अब इस बच्चे की मौत हो गई है। परिजन गुस्से में हैं, शव उठाने से मना कर दिया है। तो एक बड़ी खबर फिर से आपको बता दें, जोधपुर में रेजिडेंस की हड़ताल अब मौत की वजह बनने लगी है। हमारे साथ भूपेंद्र बिश्नोई जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, हड़ताल की ये एक ऐसी शक्ल नजर आ रही है जिसकी आशंका तो थी, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि ये रूप ले हड़ताल। जी, निश्चित तौर पर जो डॉक्टर है उन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन पिछले 4 दिनों से ये भगवान जोधपुर में कहीं ना कहीं रहता है और इसी वजह से आज एक बच्चे की मौत हुई है। रामा नाम बताया जा रहा है। जी भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर कमलेश जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कमलेश, इस बच्चे की मौत हुई है, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट इसका इलाज चल रहा था, आप क्या कह सकते हैं इस मामले पर? थोड़ी संवेदनशीलता है डॉक्टर्स में? जी जी बिल्कुल है सर, संवेदनशीलता, ये चीज घटनाएं होती है, हमें भी बहुत दुख होता है कि ऐसी घटनाएं। लेकिन अब इस बच्चे का तो मुझे पता नहीं है कि क्या कितनी इंजरी थी या कितना सीरियस था बच्चा या क्या होना है, किस पूरा आइडिया नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का अभी मैं जाना हुआ नहीं है। और वैसे जो बाकी प्रशासन है और बाकी जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं वो लोग इलाज कर रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमारी भी मांग जायज है, क्योंकि हमारे रेजिडेंट पिटे हैं बहुत बुरी तरह, अब सुरक्षा को लेकर हमें भी डर है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहीं दोबारा ऐसी घटना ना हो जाए, तो रेजिडेंटों में बिल्कुल भय व्याप्त है, इस वजह से थोड़ा सा वो हो रही है। जी, तो अब ये मामले अक्सर नजर आते रहते हैं मारपीट के, डॉक्टर से मारपीट होती है, परिजन नाराज होकर, आपकी कई बार बातचीत हुई है आपके संगठनों की, क्या क्यों हल नहीं निकल पा रहा? मैं बता रहा हूँ सर, पिछले 1.5 सालों में स्ट्राइक यहाँ पर नहीं हुई है, आपने भी देखा होगा जोधपुर में मैं ही हूँ, यहाँ स्ट्राइक पिछले 1.5 साल में नहीं हुई है और इस बीच में करीब 10-15-20 बार लड़ाई झगड़े का घटना हुई है, मारापीटी छोटी मोटी हुई है और हमने हमेशा कोशिश की है कि स्ट्राइक पे नहीं जाए और वार्ता को सुलझाए। हमने रिक्वेस्ट की 2-2 दिन तक में और सब भाग भाग के अरेस्ट करवाओ या उसके FIR कराओ, मतलब स्ट्राइक नहीं होने दी, 2-2-3-3 दिन तक भागम भागी कर करा के उनका काम कैसे भी कराया, मैंने कहा स्ट्राइक नहीं हो, इस तरह से आम जनता परेशान हो जाती है, ये है। लेकिन अब ये घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई, पिछले 1.5 साल से नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लास्ट में कहीं ना कहीं हमें अपनी सुरक्षा को लेकर और इसको डर को थोड़ा कि हम अच्छे ढंग से काम कर सके, वरना डर के मारे। जी कमलेश, डॉक्टर कमलेश, क्या विरोध का यही एक तरीका है कि काम बंद कर दिया जाए और हजारों मरीज इससे हलकान हो? एक तरफ वो लैब टेक्नीशियंस हैं जिनकी खबर आपने देखी होगी जी राजस्थान न्यूज पर, वो लगातार 24 घंटे काम करके भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
नहीं सर, हम पिछले बार आपको जो बात बताई, पिछले 1.5 सालों से कई बार ऐसा हुआ है और हमने विरोध के दूसरे तरीके ही अपनाए हैं। दो दो दिन, तीन तीन दिन तक काली पट्टी भी बांधी है, कई बार मतलब मौन वो भी रखा है और बिल्कुल 12 घंटे की जगह 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे की जगह 36 के। पिछले 1.5 सालों से कोई स्ट्रेस नहीं हुई जोधपुर में और ये ऐसे ही मतलब हमने काम वो किया है, लेकिन अब जब सिर्फ बिल्कुल पानी वो निकल गया और हेलमेट। डॉक्टर कमलेश, ये हालात कब तक रहेंगे? वार्ता चल रही है, अगर कोई ऐसा कोई अश्योरेंस हो जाए, ऐसा कोई गिरफ्तारी हो जाए। जी, अश्योरेंस की आप बात करें। डॉक्टर कमलेश शुक्रिया आपका। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, डॉक्टर कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, वन ऑफ द रेसिडेंट्स, वो कह रहे हैं कि वार्ता हो रही है, उन्होंने कभी जोधपुर में हड़ताल होने नहीं दी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया, क्या इंतहा हो गई कि हड़ताल पर जाना पड़ा? निश्चित तौर पर जहाँ तक जो परिजन है और रेजिडेंट डॉक्टर है, दोनों में कहीं ना कहीं जो संयम बरतना था वो संयम नहीं बरता, क्योंकि ट्रोमा सेंटर में मरीज था, मरीज को जो है खून की उल्टियां हो रही थी, तो परिजनों का जो है उग्र होना वाजिब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों ने भी देरी का देरी नहीं अपनाया और वही रेजिडेंट है उन्होंने भी अपना आपस हो दिया, जिसके चलते जो माहौल खराब हुआ और उसके बाद रेजिडेंट हड़ताल पे गए हैं। हड़ताल दूसरी तरीके से भी हो सकती है, अपने विरोध दर्ज कराने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। जी भूपेंद्र, जी भूपेंद्र, वो है, वो लैब टेक्नीशियंस की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द कोई वार्ता सफल हो और बीच का कोई रास्ता निकले, ताकि मरीजों पर जो ये आफत बरस रही है वो खत्म हो। वहीं जोधपुर में जो डॉक्टरों की हड़ताल है वो आगे फैलती जा रही है, अजमेर में भी रेजिडेंट्स ने हड़ताल की हुई है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जो जोधपुर में जिन आरोपियों ने मारपीट की डॉक्टर से, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अजमेर में भी रेजिडेंट्स हड़ताल पर चले गए हैं। तो हम आपको दो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, एक तरफ जोधपुर की तस्वीर और एक तरफ अजमेर की तस्वीर। ये अजमेर की तस्वीर है जहां पर नारेबाजी कर रहे हैं डॉक्टर्स, और जोधपुर के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जिन लोगों ने डॉक्टर्स से मारपीट की थी और जिसका सिला ये हो रहा है कि हड़ताल है और आज एक बच्चे की जोधपुर में मौत हुई। ये दो तस्वीरें, उस बच्चे की तस्वीर आपके सामने है जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है इस हड़ताल के नतीजे में। न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज में बाधा पहुंचने की वजह से इसकी मौत हुई है। मनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनवीर, अजमेर में समर्थन जोधपुर का डॉक्टर्स हड़ताल पर, क्या वजह है कि लामबंद होते जा रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए अमित, ये जो पूरा मामला है ये जोधपुर का जरूर है, लेकिन क्योंकि ये पिछले 9 तारीख से ये लगातार आंदोलन जोधपुर में जारी था, अब उसके समर्थन में प्रदेश के जो सभी 6 मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी उतर आए हैं, उसी कड़ी के अंदर अजमेर भी इस हड़ताल में शामिल हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का साफ तौर पर यही कहना है कि मामला केवल सिटी स्कैन को कराने तक का था, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर के साथ मारपीट की गई और उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज से ये स्पष्ट हो चुका था कि डॉक्टर बेगुनाह है, लेकिन उसको पीटा गया, बावजूद इसके आरोपियों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी करवाने के लिए ही ये दबाव बनाने की रणनीति है और पूरे राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। मनवीर शुक्रिया। तो ये पूरा जो कवायद है डॉक्टर्स की, वो आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने की है। खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड में देर रात कुकरा माकरा माइनर नहर के टूट जाने से सैकड़ों बीघा खेती जलमग्न हो गई। नहर के टूट जाने से इलाके के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नहर के टूटने की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन नहर की मरम्मत करने में जुट गया है। पानी में तेज बहाव की वजह से नहर के कट जाने से गेहूं के साथ रबी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस इलाके में पानी में तेज बहाव होने की वजह से प्रशासन को नहर की मरम्मत में भी दिक्कतें आ रही हैं। नागौर के मेड़ता सिटी रेलवे स्टेशन के पास एक बेकाबू ट्रक डेमू ट्रेन से टकरा गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड और चुरू के रास्ते हिसार जाने वाली डीईएमयू ट्रेन जो ही मेड़ता सिटी के रेलवे फाटक नंबर 13 से गुजर रही थी, वहां से जा रहा ट्रक बेकाबू होकर इस ट्रेन से टकरा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अचानक ट्रक के डेमू ट्रेन से टकरा जाने से यात्री सांसद में आ गए। इसके बाद ट्रक हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी आरपीएफ जीआरपी अधिकारी मौके पर पहुंचे और टकराए ट्रक को डेमू से दूर किया गया।
इसके साथ ही आरपीएफ ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। बारां से खबर है। बारां के अट्रू कस्बे की स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जैसलमेर की शाखा में 24,69,000 के गबन का मामला सामने आया है। आरोपी बैंक मैनेजर मनोज गुप्ता को पुलिस ने बिहार के मुंगेर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। एसबीबीजे शाखा अट्रू के बैंक मैनेजर मनोज गुप्ता ने 2012-13 में अपने ही शाखा से कई मदों की राशि निकालकर खुद के खाते में ट्रांसफर कर ली थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक की ओर से मामले का ऑडिट कराया गया, जिसके बाद बैंक के अधिकारियों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और तब से ही शाखा प्रबंधक फरार चल रहा था। 2 साल बाद गबन के आरोपी मनोज को मुंगेर बिहार से गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया और अब उसे जेल भेज दिया गया है। बैंक प्रबंधक मनोज गुप्ता जी 2012-13 में शाखा अट्रू में मैनेजर रहे थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न मदों की 24,69,074 रुपये का गबन किया। 2 साल से इनके प्रकरण पेंडिंग था। ये बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं, वहाँ टीम भेजकर इनको लाया गया और बाद 33 गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहाँ से इन्हें जेल भेज। और अब खबर। प्रदेश में 21 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की। टोंक के 7 ठिकानों पर कार्रवाई पूरी हो गई है। टोंक में मिली 18 करोड़ की अघोषित आय। अन्य 14 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई अभी भी जारी बताई जा रही है। जयपुर के जवाहरात कारोबारी के यहां से 40 लाख नकद जब्त किया गया है। जयपुर और टोंक के निवाई के ठिकानों पर कार्रवाई कई जगह पर चल रही है। बड़ी काली कमाई सामने आ सकती है। और जयपुर में जनपद पर 13 दिसंबर को होने वाले समारोह की तैयारियां, उनका जायजा लेने के लिए आला अधिकारी भी पहुंचे। नेताओं ने बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था के साथ साथ दर्शकों के बैठने और एलईडी स्क्रीन के साथ ही कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव भी किए, जिसमें महिलाओं के कम रुझान को देखते हुए 3 ब्लॉक्स की जगह 2 ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष परनामी ने मौके पर एलईडी स्क्रीन की तादाद भी बढ़ाई है। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 2 साल के ऊपर जो जश्न होने वाला है सरकार के, उस तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी और नेता पहुंचे थे। द्वितीय वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश से आम जनता भी आएगी, हमारे कार्यकर्ता भी आएंगे, तो उनकी पूरी व्यवस्था सरकार ने क्या की है, कैसे करी है, उसका एक बार हम जायजा लेने आए थे। वो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, जिससे कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आम जन हैं, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। राजस्थान भर से जितने आम आवाम आएगा, उसके बैठने की, पीने के पानी की और शौचालय की सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। क्योंकि ये जो मुख्य सभा स्थल है, उससे कई लोग पहुंच नहीं पाएंगे, दूर से दिखेगा नहीं, उसके लिए एलईडी की व्यवस्था भी करी है। आधुनिकतम जितने साजो सामान है, उन सब की व्यवस्था करी है।